हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो अपने प्रोटोजोआ चल रहे थे उन प्रोटोजोआ के अंतर्गत नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ था अपने पास उसका नाम बेटा पैरामिशन। इस पैरामिशन के बारे में आज हम संरचना का ही अध्ययन कर पाए। पैरामिशन क्या है? एक जलीय एनिमल है और समग्र प्रोटोजोआ का क्या है सदस्य है और ये सूक्ष्म जीव की तरह आता है और ये जो होते हैं जल के अंतर्गत पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। सबसे पहले हम पैरामिशन की आपको देखो ये संरचना दिखाई दे रही है। पैरामिशन की जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होती है। एक ये स्लीपर सेल यानी कि ये जो अपनी चप्पल जूते होते हैं या अपन कहेंगे चप्पल होती है उस चप्पल जैसा आकार होता है, इस कारण से इसको स्लीपर एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। स्लीपर एनिमल के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे पहले अपन इसका क्या करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको यही ध्यान रखना है कि फाइलम का हमारे पास कौन सा चल रहा है, प्रोटोजोआ है। अब यहाँ इसका भी सब फाइलम वो क्या हो जाता है सीरियोपोडा। नेक्स्ट जो पैरामिशन नेक्स्ट जो अपन ने प्रोटोजोआ के सदस्य पढ़े थे उनमें हमने सार्गोमेस्टिगोपोडा और मेस्टिगोपोडा के ही अधिकतर पढ़े थे। यहाँ आपके आपके सब फाइलम में इसका लास्ट सीरियोपोडा है, क्लास सीरियोपोडा है और इसका जो ऑर्डर है वो है फाइलोस्टोमेटिडा। फाइलोस्टोमेटिडा और जीनस इसका पैरामिशन और जिस जाति का अपन अध्ययन करेंगे उस जाति का नाम है पाउडेटा। और ये जो जाति है इसका अपन को क्या करना है अध्ययन करना है। अब हम जैसे इसका अध्ययन करते हैं तो उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है और क्लासिफिकेशन के बाद में इसका नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं अध्ययन के लिए वो लेते हैं इसका वितरण। हम वितरण की जैसे ही बात करते हैं तो पैरामिशन भी एक विश्वव्यापी होता है यानी कि जो विश्व के अंतर्गत सभी जगह है ये पाया जाता है, विश्वव्यापी होता है। अगर मैं विश्वव्यापी के साथ साथ इसकी बात करता हूँ तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकता से पाए जाते हैं। तो वितरण में अपन को इतना सा एक लाइन है वो याद रखना है। फिर उसके बाद में आवास और सहभाव की बात कर लेते हैं। इसके हैबिट एंड हैबिटेट, आवास एवं सहभाव, इसे हैबिट एंड हैबिटेट के नाम से जाना जाता है। तो आवास एवं सहभाव के अंतर्गत क्या है पैरामिशन जो सब प्रोटोजोआ है आपको पैरामिशन है और इसमें जो संघ है संघ क्या है जो प्रोटोजोआ है उस प्रोटोजोआ का सबसे विकसित जीव है। सबसे क्या है विकसित जीव है तो वो क्या है पैरामिशन है। साथ ही जो पैरामिशन में कम से कम इन्हें मतलब 10,000 से लेके और 14,000 तक इसमें क्या पाए जाते हैं सीढ़ियां पाए जाते हैं जिन्हें पक्षमाल कहते हैं। इस कारण से इन्हें ऑर्डर किसमें रखा जाता है फाइलोप्लेरिया के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अधिकतर इसका जो ये जो मतलब ऑर्डर है सब ऑर्डर जो होता है वो होता है इसका फाइलोप्लेरिया। फाइलोप्लेरिया के अंतर्गत है इसको वो रखा जाता है सब ऑर्डर फाइलोप्लेरिया इसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। किसके कारण सीलियाओं की उपस्थिति के कारण सब ऑर्डर उपगण में रखा जाता है। आगे हम जैसे बात करते हैं तो ये जो सीलिया होते हैं ये जो सीलिया हैं ये सीलिया इसके गमन में सहायता करते हैं यानी कि इसकी जो मूवमेंट होती है यानी कि गति होती है उस गति के अंतर्गत जो सीलिया है वो सहायता करते हैं। आगे हम जैसे बात करते हैं तो ये एक जो पैरामिशन है स्वतंत्र जीवी एवं जलीय जीव है।
लिविंग अवस्था में पाया जाता है और जलीय जीव है। जलीय जीव के साथ साथ जो जितने भी जलीय स्रोत होंगे उन स्रोतों के अंतर्गत पाया जाएगा। उन स्रोतों में अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छ जलीय के अंतर्गत पैरामीशन है वो नहीं पाया जाता। ये जो होता है अधिकतर स्वच्छ जलीय में पाया जाता है। आगे हम जैसे बात करते हैं तो इसकी आती है जातियां और इन जातियों को दो समूह के अंतर्गत हम बात करें। पैरामीशन की जातियों के दो समूह होता है। एक तो होता है वत्स एरिया ग्रुप, एक तो इसके अंतर्गत वत्स एरिया ग्रुप में है और एक दूसरा जो इसके अंतर्गत है वो है और एक लिया ग्रुप। इन दो के अंतर्गत इसको बांटा जाता है। एक तो वर्ष के ग्रुप के अंतर्गत, एक इसका और एक ये ग्रुप के अंतर्गत। अब हम जैसे ही वर्षीय ग्रुप की बात करते हैं तो इस समूह के जो पैरामीशियम है वो छोटे होते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसके जो पैरामीशियम होंगे वो एक तो कैसे होंगे, आकृति में छोटे होते हैं। आकृति में कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं और उनकी जो अनुप्रस्थ काट होती है, काट होती है वो कैसी होती है, चपटी होती है। और इसके जो एग्जाम्पल है एक तो आपके पास वर्सेरिया हो जाता है, वर्सेरिया एक तो ये जाति है, एक इसकी जो जाति है उस जाति का नाम है वुड रिफ। क्या नाम है, वुड रिफ। ये एक जाति है, ये दो जाति है, वर्सेरिया है वुड रिफ। अब हम किस किस समूह की बात करते हैं, ओरेलिया समूह की बात करते हैं तो ये जो समूह के जो पैरामीशियम होंगे वो एक पूरे लंबे होंगे और उनकी जो अनुप्रस्थ काट होगी वो काट कैसी होगी बेटा, गोल होगी। और इसके अंतर्गत जो स्पीशीज की जाति है जाति वो एक तो एरोलिया ही है, एरोलिया या ओरेलिया सॉरी, एक तो इसके अंतर्गत ओरेलिया एक आती है पावलेटा जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। और एक इसके अंतर्गत आती है पाव डेल्टा, इसके अंतर्गत आती है। ये दो जातियां हैं जो इसके अंतर्गत है तो इसी कर रहे हैं पावलेटा। ये जो कि मैंने आपको लिखा है तो अपन ने क्या पढ़ा, इसका वितरण पढ़ लिया, आवास और संभाव पढ़ लिया और जातियां, जातियों को बेटा कितने दो ग्रुप है, वर्सेरिया ग्रुप और ओरेलिया ग्रुप। वर्सेरिया ग्रुप के जो पैरामीशियम होंगे वो छोटे होंगे और उनकी जो अनुप्रस्थ काट होगी वो कैसी होगी, चपटी होगी। जबकि ओरेलिया ग्रुप के पैरामीशियम है वो लंबे होंगे और उनकी अनुप्रस्थ काट है वो कैसी होगी, गोल होगी। और इसके अंतर्गत ओरेलिया एक अब इसके बाद में जो पैरामीशियम है उस पैरामीशियम की क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर संरचना हम पढ़ते हैं। तो संरचना जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इस संरचना के कारण ही इस जंतु है इसको स्लीपर एनिमल क्यों के नाम से जाना जाता है, यानी चपल आकृति का ये होता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक या हेडिंग ले जाएगा वो मीटिंग क्या रह जाएगा अपने पास, पैरामीशियम की संरचना। पैरामीशियम की संरचना ये अपना क्या रहेगा टॉपिक है और उस संरचना के अंतर्गत एनिमल क्यू के नाम से इसको जाना जाता है। स्लीपर यानी चप्पल की आकृति भी होता है इसलिए इसको स्लीपर एनिमल क्यू के नाम से भी इसको जाना जाएगा। अब हम इसकी संरचना का बारीक आकृति से अपन क्या करते हैं अध्ययन करते चले गए, यानी कि पैरामीशियम चप्पल के समान दिखाई देता है इसलिए इसको स्लीपर एनिमल क्यू के नाम से जाना जाता है। अब इसके जितने भी नाम होंगे
उन सभी नामों के बारे में हम बारी बारी कैसे क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आकार नामों के बारे में लेते हैं। आकार आकृति एवं रंग, यह रंग क्या है संरचना के अंतर्गत लिखना है। तो पैराबीसियम के बारे में जैसे लिखेंगे तो पैराबीसियम में लंबा चपटा होता है, तो आकार के बारे में ये लंबा होगा साथ ही चपटा होगा, इसका जो अग्र सिरा है वो कैसा होगा, कैसा दिखाई दे रहा है बोल होता है, उसके बाद मस्त सिरा है वो थोड़ा नुकीले टाइप में होता है, सतरा नुकीला होता है और ये चप्पल के समान के आकृति का होता है। पैराबेसियम कॉर्डेटम की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसका जो परिमाप होता है यानी वो परिमाप कितना होता है 170 माइक्रोमीटर से 220 माइक्रोमीटर तक होता है, माइक्रोमीटर होता है। और इसकी जो आकृति होती है वो किसके समान होती है, चप्पल के समान होती है। अब रंग की अगर हम जैसे ही बात करते हैं तो इसका जो रंग होता है वो एक पानी के समान या एक ये अदृश्य टाइप का होता है यानी विकसित जीव है। और इसी के साथ इसका जो रंग पाया जाएगा वो रंग श्वेत टाइप में यानी जैसा रंग आप डिफाइन नहीं कर सकते कि जैसा जलीय रंग होता है वैसा इसका क्या होता है रंग होता है, अधिकतर जलीय रंग में ये पाया जाता है। साथ ही अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ में सबसे अधिक जो सीलिया होते हैं वो पैराबेसियम के अंतर्गत पाए जाते हैं। और अगला हमारा जो इसका पैराबेसियम की संरचना के अंतर्गत जो पॉइंट आता है वो आता है पेलिकल। पेलिकल क्या है, यह जो आवरण होता है यह आपको आवरण दिखाई दे रहा है, ये जो आवरण है ये इसका क्या है पेलिकल आवरण। और ये पेलिकल आवरण होता है इसकी आकृति को क्या करता है बनाए रखता है, सूर्य निश्चित रखता है। और जो पेलिकल है ये पतला आवरण है जिसे पेलिकल के नाम से इसको जाना जाएगा। और ये पेलिकल दृढ़ एवं कैसा है पतला आवरण है। और ये क्या करता है आकृति जो होती है पैराबेसियम उस आकृति को बनाए रखता है, ये किसका कार्य है पेलिकल का कार्य। पेलिकल के बाद जैसे अगर बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट पर इसमें आती है ट्राइकोसिस्ट। ये जो ट्राइकोसिस्ट होती है इसको दंश कसाविका के नाम से जाना जाता है, कसा वी आई इसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होती है ट्राइकोसिस्ट जो पेलिकल से क्या करते हैं इसके जैसे मान लीजिए ये पेलिकल आवरण है और यहाँ से क्या निकलते हैं सीलिया और यहाँ पर ऐसे हेक्सागोनल रूप में क्या होती है ट्राइकोसिस्ट और यहाँ पर ये आधार कणिका है, फिर ये हेक्सागोनल टाइप का होगी, फिर यहाँ आधार कणिका ये निकलेगी सीलिया। इस प्रकार से ट्राइकोसिस्ट का लेयर होता है और ये ट्राइकोसिस्ट क्या होती है दंश कशाविकाएं होती है और ये दंश कशाविकाएं पैराबेसियम को क्या करती है एक तो सुरक्षा प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ ही भोजन को पकड़ेगी और पकड़ने के साथ साथ ही उसको भोजन को घायल करने का कार्य भी ये करती है। तो इस प्रकार से इसके नीचे है इसके पेलिकल के जैसे बात है ट्राइकोसिस्ट का लेयर है पाया जाता है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगी इसकी, ये हेक्सागोनल टाइप में इसका लेयर पाया गया है, ये इस प्रकार से ये यहाँ पर हेक्सागोनल टाइप में पाया जाएगा और यहाँ पर ये मध्य में ये वेसल होती है
एरिया निकलते हैं और इस हेक्सागोनल के जस्ट नीचे से ही यहाँ से निकलने वाली होती है वो होती है ट्राइंगल सिस्टम। ये यहाँ से ये ऐसे ट्राइंगल, अगर ये हम बात करते हैं तो ये जो अपना मेम्ब्रेन आ जाता है वो एक्टोप्लाज्म के अंतर्गत आता है और ये जो मेम्ब्रेन होता है वो पेलिकल के अंतर्गत आता है। ये तो आता है आपके पास पेलिकल के अंतर्गत और ये आता है आपके पास एंडोप्लाज्म के अंतर्गत, एक्टोप्लाज्म के अंतर्गत, एक्टोप्लाज्म इसके अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार से इसकी क्या होती है भाई स्ट्रक्चर होती है और ये स्ट्रक्चर है जो आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगी, पीडीएफ के अंतर्गत बनी बनाई है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम आंतरिक संरचना की जैसे ही बात करते हैं तो इसमें आता है कोशिका द्रव, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। अब साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव की हम बात करते हैं तो पेरेंटेशन का लिक्विड फॉर्म में जो द्रव्य पाया जाता है उस द्रव्य को किसके नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के नाम से है जो जाना जाता है। और ये जो कोशिका द्रव्य होता है दो भागों में डिवाइड करता है, एक तो आपके पास पाया जाएगा एक्टोप्लाज्म और एक पाया जाएगा एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म तो हम सबसे पहले एक्टोप्लाज्म की बात कर लेते हैं तो एक्टोप्लाज्म होता है ये परिधीय और इसमें आधारित परिकाय या अपक्षमागी तंत्र है इसमें अंतर्गत पाया जाता है। तो एक्टोप्लाज्म एक्टो कहां पाया जाता है, परिधीय भाग में। साथ ही इसमें जो कोशिकांगों में इन कोशिकांगों का क्या होगा, अभाव होगा यानी कि वो नहीं पाए जाएंगे। साथ ही इसके अंतर्गत जो पाए जाने वाले तंत्र है वो है एक तो आधारित परिकाय इसमें पाए जाएंगे, कणिका है। अब अपक्षमागी तंत्र का मतलब होता है इसमें टाइप सिस्ट वगैरह भी पाए जाते हैं। अब ये एंडोप्लाज्म है ये क्या है, आंतरिक भाग है और आंतरिक भाग के साथ साथ इसमें जो कोशिकांग होंगे वो कोशिकांग के क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे, वो कोशिकांग के इसके अंतर्गत प्रेजेंट होंगे। और जैसे ही कोशिकांग के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे गोलचिकाएं हैं, लाइसोसोम हैं, राइबोसोम हैं, संकुचनशील कृतिका है, केंद्रक है, ये कोशिकांग इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। उसके बाद क्या हम जैसे ही बात करते हैं इसकी संरचना में तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत इसके अतिरिक्त दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैल्यूल यानी कि दो संकुचनशील रिक्तिका भी इसके अंतर्गत है पाई जाती है। और ये संकुचनशील रिक्तिका का पेरेंटेशन में परासरण नियमन का कार्य होता है, परासरण नियमन का जो कार्य है इसके अंतर्गत होता है। फिफ्थ पॉइंट की हम जैसे बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता रहता है केंद्रक और पेरेंटेशन के अंतर्गत दो केंद्र पाए जाते हैं, एक तो माइक्रो और एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत क्या है, दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे, एक तो मैक्रोन्यूक्लियस और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस यानी ये तो इसको कहेंगे अपन लघु केंद्रक और इसको क्या कहेंगे अपन गुरु या दीर्घ केंद्र। ये पेरेंटेशन के अंतर्गत विशेष विशेषता होती है जिसमें दो केंद्र पाए जाते हैं। इस दो केंद्र के कारण ही इसको डाई न्यूक्लियस एनिमल के नाम से भी जाना जाता है यानी कि इस दो केंद्रों की उपस्थिति के कारण इसे क्यों केंद्र की जंतु के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अगर हम आगे बात करते हैं इसमें जो गुरु केंद्र है वो थोड़ा सा बड़ा होता है केंद्रक, उन केंद्रक को यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं एक यहाँ इस प्रकार से, एक तो है आपके पास माइक्रो, सबसे पहले अपन लेते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और
दूसरा लेते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, इसको हिंदी में बोला जाता है माइक्रो को गुरु केंद्रक, और इसको माना जाता है लघु केंद्र। अब इनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो गुरु केंद्रक है वो एक तो बड़ा होगा और किडनी के आकार या अपन कह सकते हैं हाँ एक तो कैसा होता है आकार में बड़ा होगा और इसकी जो आकृति है वो कैसी है किडनी आकार की, यानी कि किडनी का जैसे जो आकार होता है सेब होता है उस तरह से इसका आकार होता है। साथ ही ये पेराविशन की जो कायिक क्रियाएं होती है उनका नियमन करता है, कायिक क्रियाओं का क्या करता है बेटा नियमन करता है, जननी क्रियाएं जो होती है उनमें क्या करता है ये भाग नहीं लेता, क्रियाओं में शामिल नहीं होता है, शामिल नहीं होता है, वो नहीं होता है गुरु केंद्र। उसके बाद जब लघु केंद्र की बात करते हैं तो ये आकार में छोटा होता है और गोल होता है, आकार में कैसा होगा बेटा एक तो छोटा होगा एक साथ में कैसा होगा गोल होगा, और ये जो जननी की क्रियाएं होती है जननी की क्रियाओं में क्या होगा ये शामिल होगा, शामिल होगा, ये इसकी क्या है केंद्रक की विशेषता है कि इसके अंतर्गत ये विशेषताएं पाई जाती है। आगे हम लोग जैसे ही चलते हैं इसका सिक्स नंबर में जो आता है वो है सीलिया, जिसे पक्षभाग के नाम से जाना जाता है, और ये जो सीलिया होता है सीलिया आकार को शरीर के चारों अनेक सीलिया पाए जाते हैं और इनकी जो संख्या है मैंने पहले ही बताई थी 10 से 14 हजार, और सीलिया कौन से बेटा ये जो छोटे छोटे हैं ये सब क्या है ये सीलिया, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है पक्षमार बोला जाता है। तो ये जो सीलिया होते हैं ये इसके शरीर के चारों पाए जाते हैं और ये 10 से 14 हजार की संख्या में होते हैं। सीलिया आकार में लगभग क्या है समान दिखाई देते हैं, लेकिन लेकिन इसके पश्च सिरे पर कुछ सीलिया लंबे हो जाते हैं और वो लंबे सीलिया को कडल सीलिया या अपन कह सकते हैं उच्चीय पक्षमार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जब अगर सीलिया जो होती है वो एक तो गमन में सहायता करते हैं, इसमें सहायता करते हैं ये गमन में सहायता करते हैं, उसमें ये क्या करते हैं हेल्प करने का कार्य करते हैं। साथ ही सीलिया की अगर हम आंतरिक संरचना की बात करते हैं या सीलिया की जो व्यवस्था है पहले भी हमने बताया कि 9+2 यानी कि 9+2 की अवस्था के अंतर्गत होते हैं, और 9+2 की अवस्था के अंतर्गत हम जैसे ही बात करते हैं ये 9+2 में ये इस प्रकार से होते हैं कि इसमें से दो तो क्या होते हैं केंद्रीय होते हैं और 9 कैसे होते हैं परिधीय होते हैं, और ये परिधियों में भी कैसे होंगे कि ये स्ट्रक्चर होगी पहले भी मैंने बताया था ये ए ये बी और ये इसमें क्या होता है सी होता है, यानी कि ए बी सी की अवस्था के अंतर्गत ये पाए जाते हैं जिन्हें मतलब ए बी के रूप होते हैं ये डायनेमिक इसकी भुजा होती है, ए बी इसकी क्या है सब फाइबर होते हैं, और ये इस प्रकार से इसकी क्या होती है व्यवस्थाएं होती है। तो आगे अगर हम जैसे सीलिया को पढ़ना चाह रहे हो आप सीलिया को देखो किस प्रकार से पढ़ेंगे इसकी सीलिया के आगे की संरचना, ये इस प्रकार से क्या होती है आंतरिक संरचना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये क्या हो गया 9 और
ये इसके क्या हो गए, परिधीय परिधीय किरण, और ये होते हैं सेंट्रल परिधीय, ये होते हैं केंद्रीय। तो इस प्रकार से परिधीय पोटेंशियल स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार होती है, तो ए और बी ये तो क्या है सब फाइबर, और ये इसकी क्या होती है डायनेमिक बोले तो इसकी क्या होती है भुजा होती है, जिससे क्या होता है ये अटैच होता है। तो इस प्रकार से इसकी क्या है संरचना होती है इसकी सीलिया। आगे से अगर बात करते हैं इसके आगे संरचना जो आती है अपन ने कौन सा छह और सात नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें पाई जाती है मुख खांच, और जो मुख खांच है वो ये इसे माउथ होल के नाम से जाना जाता है। अब इसके साथ क्या होता है मेरा विषय होता है बहुत सारी जलधारा होती है उस जलधारा को अंदर लेता है, अंदर लेने के साथ साथ जलधारा में क्या आ जाते हैं भोज्य पदार्थ आ जाते हैं। तो इस माउथ बोल से जलधारा अंदर पहुंचेगी अंदर साइटोस्टोम यानी कि जिसे कोशिका मुख बोलते हैं। इसमें देखो सीलिया पाया जाता है बहुत सीलिया होते हैं जो क्या करते हैं फिल्ट्रेट का भोजन वितरण का उनका क्या करते हैं परीक्षण करते हैं। अब साइटोस्टोम होता है इसी कोशिका मुख बोलते हैं, इस कोशिका मुख में भोजन जाता है और भोजन जाने के बाद में ये जो मुख के आगे की संरचना आगे की जो संरचना है वो फूड वैल्यू यानी कि खाद्य वृत्तिका में कन्वर्ट हो जाती है, खाद्य वृत्तिका इसके अंतर्गत भोजन के पाचन का है वो कार्य करते हैं। इसके बाद हम जैसे आगे चलते हैं तो इसमें नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है इसमें कोशिका गुदा, ये साइटोफेगी होती है। ये साइटोफेगी होती है ये अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है, ये आज इसे कोशिका गुदा के नाम से, और ये अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करेगी। और इसके अंतर्गत अगर हम नाइट्रोजन बात करते हैं तो इसमें पाई जाती है संकोचन शील रिक्तिका, और ये संकुचन से जो रिक्तिका होती है ये पेरामीशियम के अंतर्गत दो पाई जाती है, एक तो अग्रसिल जिसे एंटीरियर कॉन्टेक्टर वैक्यूल, एक पश्चिम और पाई जाती है जिसे पोस्टीरियर कॉन्टेक्टर वैक्यूल के नाम से जाना जाता है। और ये संकुचन से रिक्तिका होती है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है, इनको क्या बोलते हैं ये अरिय नाड़ी होती है, और अरिय नाड़ी ये है आपके पास अरिय रेडियल कैनाल और ये इसकी कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल सीडी होती है। अब अगर इसको जैसे अगर स्टडी करते हैं तो इसमें क्या होता है जल का प्राशन नियमन का कार्य होता है, जल के प्राशन नियमन से कार्य है कि जो पैरामीशियम होता है वो पैरामीशियम के शरीर का जो माध्यम होता है वो होता है हाइपरटोनिक यानी कि अति प्रसारी, और जल होता है वो अल्प प्रसारी हाइपरटोनिक। जैसे ही ये जल का मतलब माध्यम या जल में जैसे ही जाता है उस समय क्या है कि लवणों की मात्रा या जो जल होती है उस जल की मात्रा को क्या करता है ये एक तरीके से शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये सब जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूम है इसको हम पेरा जो मीशियम है उस पेरा मीशियम के जो एक टॉपिक आता है परासरण नियमन, उस परासरण नियमन के अच्छी तरीके से पढ़े। तो अब आप इसमें समझे कोई बता सकते हैं कोई मैंने छोड़ा हो सब मैंने बता ही दिया, राइबोसिस्ट बता दिया, राइबोसिस्ट की जो संरचना होती है संरचना में मैं इसमें क्या से बता देता हूँ, राइबोसिस्ट या दंश कोशिका के नाम से जाना जाता है, और ये जो इसका एक्टोप्लाज्म होता है उस एक्टोप्लाज्म के अंतर्गत काफी मात्रा में राइबोसिस्ट है वो पाई जाती है अल्टरनेटर
ये इसका क्या होता है भाई, ये इसका शाफ्ट होता है, ये इसमें मैट्रिक्स होता है, ये इसकी क्या है मैट्रिक्स है, उसके बाद में ये इसका स्पीक है, स्पीक ये इसका क्या है केप है, इस प्रकार से जो टाइगोसिस की कुछ रचना होती है कार्य होता है उसे बाद कार्य भी करता है, ये त्रिभुजीय आकृतिक होती है पीढ़ी होती है। तो इस प्रकार से हमारे जो पैरामैक्सियम है उस पैरामैक्सियम की जो बाह्य संरचना हमने जो पढ़ी है आपको वो बाह्य संरचना है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे आप अगर इसमें हमको पढ़ना है तो पैरामैक्सियम काफी लंबा है, इसमें इसका हमको जनन क्रिया परागण क्रिया में भोजन कैसे करता है, तो ये तो मैंने कहा है ना प्रोटोजोआ का विकसित जीव है, तो इसको विकसित प्रकार से हमको क्या है पढ़ना पड़ेगा। विकसित प्रकार से जैसे हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इसको प्राचन नियमन से है इसको लेंगे, तो प्राचन नियमन की क्रियाविधि है, प्राचन नियमन गमन है, और उसके बाद में इसमें जो श्वसन है यानी कि ये हमको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ना है। आज के वीडियो में बस इतना ही।